को गिरफ्तार करवाइए जिन्होंने मानवता को हनन किया। ऐसे लाशों के अंबारों में उन्होंने एम्बुलेंस को छिपा के रखा, ये हमारी मांग है। और ये राज्य सरकार और सांसद की मिलीभगत से जबरन केस किया जा रहा है आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना चाहिए था कि जो व्यक्ति 150 लाश पड़ा हुआ है वैसे में भी भूल जाए, वैसे में भी लोगों की मदद करने के लिए चला जाए, वो व्यक्ति ये छोटा मोटा केस से डरने वाला है? बेटा माँ को पिता को साइकिल पर ले जाता है, पति पत्नी को मोटरसाइकिल पर ले जाता है, तब भी शर्म नहीं आई भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी? बिहार में एक तरफ संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है, तो वहीं पप्पू यादव लगातार लोगों को बीच जाकर उनको मदद कर रहे हैं। और अब पप्पू यादव की पार्टी जाप सुप्रीमो यानी जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ बात है? राजू दानवीर जी है जो जाप सुप्रीमो के नेता, मतलब कि जाप के नेता हैं, क्या बात है, क्यों धरना है आज? देखिए जिस तरह से बिहार में मौतों का अंबार पड़ा हुआ है, बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है, ये सरकार की देन है। जो बीजेपी सांसद ने जो हरकत की है, जो मानवता का हनन किया है, ये माफ़ी के लायक नहीं है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और जो जन जन के सेवक रहे, जन जन जनता के बीच रहे, जनता के हित के लिए जनता के लड़ाई हमेशा लड़े, वैसे व्यक्ति पर जबरन केस किया जाता है। और हम विरोध करते हैं ऐसे, और हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अपने उस सांसद को गिरफ्तार करवाइए जिन्होंने मानवता को हनन किया। ऐसे लाशों के अंबारों में उन्होंने एम्बुलेंस को छिपा के रखा, ये हमारी मांग है। और ये राज्य सरकार और सांसद की मिलीभगत से जबरन केस किया जा रहा है आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना चाहिए था कि जो व्यक्ति 150 लाश पड़ा हुआ है वैसे में भी भूल जाए, वैसे में भी लोगों की मदद करने के लिए चला जाए, वो व्यक्ति ये छोटा मोटा केस से डरने वाला है? हमारे पार्टी के पूरे युवा परिषद के सदस्य, पूरे पार्टी के जितने भी हैं नेता पदाधिकारीगण, सभी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है, धरना दिया है, और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। तो बिल्कुल तमाम जिस तरह से बात कर ले कि जो एम्बुलेंस पकड़ाया है उस एम्बुलेंस को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो और भी नेता हैं हम उनसे जानेंगे कि और क्या कुछ बात है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ मांग है आज प्रेमचंद जी। देखिए विगत 48 घंटों में भाजपा शासित सरकार है देश में, और एनडीए और डबल इंजन की सरकार है बिहार में। बिहार त्राहिमाम है और देश त्राहिमाम है। कोविड कोरोना से लोग कितने मर रहे हैं ये अलग है, लेकिन व्यवस्था के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में, इंजेक्शन और ऑक्सीजन के अभाव में सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। जवाबदेही किसकी है? ये जवाबदेही तय है देश के सत्ता का, राज्य के सत्ता के, देश के प्रधानमंत्री का, राज्य के मुख्यमंत्री का। लेकिन आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस के अभाव में बेटा माँ को कंधे पर ले जाता है, बेटा माँ को पिता को साइकिल पर ले जाता है, पति पत्नी को मोटरसाइकिल पर ले जाता है, तब भी शर्म नहीं आई भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी? जब किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव को जानकारी चली आपके उस कुकृत्य को हटाने के लिए और देश को बताने के लिए, जब आपके उस तथाकथित अस्पताल में जब पहुंचते हैं और आपके गुनाहों के चादर को जब आपके एम्बुलेंस से ढका हुआ रहता है, एम्बुलेंस पर ढका हुआ रहता है, जब हटाते हैं जहां फोटो दिखता है देश के प्रधानमंत्री का, फोटो दिखता है आपका, लिखा हुआ रहता है कि जनता को सारण के जनता के लिए समर्पित राजीव प्रताप रूडी, राजीव प्रताप रूडी जी, जब सारण की जनता को आप अपने एमपी लैंड से समर्पित कर दिया, तो आपके निजी अस्पताल में वो कैसे 40 का 40 एम्बुलेंस पहुंचा? ये जानना चाहता है सबसे पहले बिहार, ये जानना चाहता है सबसे पहले भारत। आपने ये बात ना बताते हुए आपने कहा, दोषारोपण लगाया आदरणीय हमारे नेता पप्पू यादव पर, राजनीतिकरण का प्रारोप लगाया,
धिक्कार है राजीव प्रताप रूडी जी, और आपने जो चुनौती दे डाला, ड्राइवर भेज दीजिए और जनता की सेवा कर दीजिए। मत भूलिए, जब जब सारण और इस बिहार पर जब जब भी कई आपदा विपदा या दुख की घड़ी आई, तो सबसे पहले मीडिया और प्रशासन से भी पप्पू यादव जाने का काम किए। मैं फख्र करता हूं अपने नेता पर, मैं गर्व करता हूं अपने नेता पर, और बिहार गर्व करता है माननीय आदरणीय पप्पू यादव पर, कि बार हो, कोरोना हो, दुख हो, किसी तरह का एक्सीडेंट हो, तो पप्पू यादव पहुंचते हैं। और इसी कड़ी में पप्पू यादव जी ने आपके गुनाहों को दिखाने के लिए और बिहार की जनता को एम्बुलेंस मिले, इसके लिए पप्पू यादव जी ने वो गुनाहों को दिखाया। जब भेजा, आपको दर्द हुआ, आप अपनी गुनाह को छुपाने के लिए फर्जी मुकदमा और जबरन मुकदमा कराए हैं। इसके लेकर के आज हमारे युवा परिषद के साथी प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर और राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू जी, जिला अध्यक्ष सत्यानंद यादव जी, प्रवक्तागण के और साथियों छात्र के सभी नेताओं के नेतृत्व में आज हम लोग बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप तो बड़ी फख्र के साथ कहते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं, हम किसी को बचाते नहीं, तो मेरा आग्रह है नीतीश कुमार जी, मत बचाइए राजीव प्रताप रूडी को। कोविड एक्ट, महामारी एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज कीजिए, जेल भेजिए, और मत फंसाइए पप्पू यादव जी को। उन्होंने जनता का सेवा करने का काम किया है और उन गुनाहों को उजागर करने का। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं, वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी के संसदीय क्षेत्र में जो एम्बुलेंस पाए गए हैं, तो राजीव प्रताप रूढ़ी पर कार्रवाई की जाए, और जो पप्पू यादव पर FIR हुआ है, जिस तरह से लगातार फंसाने और बचाने की बात करें, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को फंसाते नहीं और हम किसी को बचाते नहीं। वही इनका कहना है कि अगर जिस तरह से दोषी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी अपडेट्स देंगे बरनी एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।